नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के चंद्रोल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज, भिलाई नगर। मेरा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। रेटर क्वाइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑइकोस एंड लोगस। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। थियोफ्रास्टस वॉज द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू एस्टेब्लिश एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक एफिनिटीज, इट मे बी प्लांट इकोलॉजी और एंड एनिमल इकोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इट मे बी एक्वेटिक इकोलॉजी एंड टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी फर्दर डिवाइडेड इंटू फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर इकोलॉजी। सिमिलरली टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी डिवाइडेड इंटू ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी अट इकोलॉजी मीन्स सेल्फ, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, एंड सीन इकोलॉजी मीन्स टूगेदर, दैट इज कम्युनिटी इकोलॉजी। सब हेड्स ऑफ इकोलॉजी, व्हेन नंबर ऑफ स्पीसीज की जगह पर केवल एक ही स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट होते हैं, तब इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट होंगी, तब ये कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है। नंबर ऑफ कम्युनिटीज जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तब ये बायोम इकोलॉजी कहलाता है। और ऐसे ही इकोसिस्टम इकोलॉजी में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आपस में इंटरेक्ट होते हैं, और सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में एनर्जी के फॉर्म में, और दे रिलीज न्यूट्रिएंट, और ये न्यूट्रिएंट फिर से एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, और वहां से फिर से ये प्रोड्यूसर के द्वारा उपयोग किया जाता है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में अंतर, सबसे पहले पॉपुलेशन की यदि हम बात करें, तो पॉपुलेशन जो है सिंगल स्पीसीज को डिनोट करता है, जबकि कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है। यहां पर इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन ए गिवन एनवायरनमेंट कॉल्ड पॉपुलेशन, वेयर एज ए ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज म्यूचुअली लिविंग इन ए गिवन एनवायरनमेंट कॉल्ड कम्युनिटी। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल अकर्स इन पॉपुलेशन, जबकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म अकर इन कम्युनिटी। प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप पॉपुलेशन में नहीं पाया जाता, जबकि कम्युनिटी में प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप पाया जाता है। पॉपुलेशन में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में फंक्शन इन सिमिलर वे, सभी एक जैसे और एक ही तरह से कार्य करने के कारण से इनमें लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जबकि कम्युनिटी के केस में नंबर ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म होने के कारण से और इनके अलग अलग तरीके से फंक्शन करने के कारण से इनमें हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। पॉपुलेशन यूजुअली स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं, जबकि कम्युनिटी कंपैरेटिवली लार्जर ग्रुप फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के अपने कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी का पाया जाना, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म का होना, कम्युनिटी में सर्टेन स्पीसीज का डोमिनेंट होना, हर कम्युनिटी की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का होना जो कि सक्सेशन को डिनोट करता है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हर कम्युनिटी में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ मेंबर्स पाए जाते हैं, जिनके कारण से ग्रेजिंग और डिट्राइटस फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। इंटरडिपेंडेंस कि यदि हम बात करें, तो हर कम्युनिटी में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर
निर्भर करते हैं या आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन स्पेस के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है और उनके सर्वाइवल के लिए हो सकता है। सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी। इच कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स विच आर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। इट मे बी टू लेवल, रीजनल एंड लोकल। रीजनल डाइवर्सिटी, इट इंक्लूड द पार्ट्स ऑफ होल नेशन और कॉन्टिनेंट हैविंग डिफरेंट कम्युनिटीज। वेरेज लोकल डाइवर्सिटी, इट इंक्लूड डिफरेंट कम्युनिटी इन ए गिवन नेशन और डिफरेंट लैटिट्यूड। ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। कम्युनिटी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मेजर ग्रोथ फॉर्म, जैसे ट्री, श्रब, हर्ब, मॉसेस। इच ग्रोथ फॉर्म सच एज ट्री कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एज ब्रॉड लीव्स ट्री, एवरग्रीन ट्री एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस ग्रोथ फॉर्म एंड कम्युनिटीज एग्जिबिट जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। जोनेशन जिसे हॉरिजेंटल लेयरिंग भी कहा जाता है और स्ट्रेटिफिकेशन को वर्टिकल लेयरिंग कहते हैं। डोमिनेंस। ऑल द स्पीसीज इन ए कम्युनिटी आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी में सभी स्पीसीज का महत्व एक जैसा नहीं होता। इनमें से कुछ स्पीसीज जो है जो कम्युनिटी के नेचर को डिटरमाइन करती हैं या एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ऐसी स्पीसीज या जिनके द्वारा कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होती है, ऐसी स्पीसीज को हम डोमिनेंट स्पीसीज के नाम से जानते हैं और ये पूरी फिनोमेना जो है डोमिनेंस कहलाती है। सक्सेशन। इच कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन डेवलपमेंटल हिस्ट्री। हर कम्युनिटी की अपनी एक हिस्ट्री होती है या ये कह लें कि विकास की हिस्ट्री होती है। इट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ यूनिडायरेक्शनल चेंजेस विथ टाइम, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। न्यूट्रिशनली इच कम्युनिटी हैज ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ प्लांट एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक एनिमल, फॉर्मिंग ग्रेजिंग एंड डिट्रेटस फूड चेन रिस्पेक्टिवली। इंटरडिपेंडेंस। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ इच अदर इन वेरियस वेज। दिस इंटरेक्शंस आर डायरेक्टेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, स्पेस, एनर्जी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन फॉलोइंग वेज। कॉम्पिटिशन। जब एक से अधिक इंडिविजुअल किसी स्पीसीज के या डिफरेंट स्पीसीज एक साथ एक ही जगह पर हों और कॉमन सोर्स से न्यूट्रिशन ले रहे हों और न्यूट्रिशन लिमिटेड हो, तो नेचुरली इनके बीच में कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक हो सकता है। द डिग्री ऑफ कंपटीशन डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एंड आल्सो द एज ऑफ प्लांट। पैरासिटिज्म। वन प्लांट डिपेंड ऑन अदर, जैसे कि कस्कुटा अमरबेल मैंगो प्लांट पर डिपेंड करता है। एंटीबायोसिस। कुछ प्लांट की रूट्स जो हैं केमिकल सिक्रेट्स करती हैं, ये केमिकल्स दूसरे प्लांट को उसके आसपास ग्रो करने नहीं देता और वो उसके लिए हार्मफुल भी होता है, इस प्रोसेस को एंटीबायोसिस कहते हैं। कॉमन सेलिज्म। एल्गी ग्रोविंग ऑन टर्टल सेल। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। बोथ द ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इच अदर एंड आर बेनिफिशियल टू इच अदर। कॉमन सेलिज्म के केस में इंटरेक्टिंग दो में से एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान, जबकि म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस की यदि हम बात करें तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा होता है। कम्युनिटी कॉन्टिनम। ड्यू टू फिजिकल कंडीशन वन स्पीसीज मे बी डोमिनेंट इन वन ग्रुप
while an associated species in another. फिजिकल एनवायरनमेंट या अदर कंडीशन के कारण से एक ही कम्युनिटी में पाए जाने वाली नंबर ऑफ स्पीसीज में से हो सकता है कुछ स्पीसीज एक ग्रुप में डोमिनेंट हो, जबकि उसके साथ कि बाकी स्पीसीज जो है वो उस ग्रुप में ना होकर दूसरे ग्रुप में ज़्यादा प्रभावी हो या ज़्यादा डोमिनेंट हो। दिस सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी शोइंग ग्रेजुअल चेंज इन कंपोजिशन, इसके कारण से कम्युनिटी में एक ग्रेजुअल चेंज दिखाई देता है और इसी ग्रेजुअल चेंज को हम कम्युनिटी कॉन्टिनम के नाम से जानते हैं। थैंक यू।